सो गाइज आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक पर क्लिक कर दिए होंगे, लेकिन गाइज आपको बताते कि वहाँ पे आपको पीडीएफ का पासवर्ड पूछा होगा। आपको बताते कि फ्यूचर में कभी पीडीएफ का लिंक डैमेज ना हो उसके लिए इस पासवर्ड लगाना पड़ता था। इसका पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में कभी भी मिल सकता है, तो गाइज वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करते रहिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष वेद। गाइज एक और न्यू वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं, जो कि आप लोग का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि भैया क्लास टेंथ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का आप नोट्स बनाकर लाइए। तो गाइज आपके लिए बहुत ही बेस्ट नोट्स बनाकर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको इस नोट्स में आप अगर इससे पढ़ते हैं तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस नोट्स में बहुत सारे पॉइंट जो भी आपके एनसीईआरटी के एस चांद के और अदर रेफरेंस बुक के सारे का पॉइंट आपको इस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर के सारे कंटेंट है, जो भी चीज़ आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड किए गए वो सारे का आपको यहाँ पे एक ही पेज में कंक्लूजन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। गाइस जैसे हम यहाँ पे आप लोग ऊपर की जगह सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपको व्हाट इज केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। गाइस उसके बाद नेक्स्ट पेज आप लोग कीजिएगा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपके इस चैप्टर का मेन थीम आपका यही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जितना भी आपका होता है ये आइडेंटिफिकेशन, वो सारे का आपको डेफिनेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट नोट्स अगर ये हो सकते हैं। आज आप लोग यहाँ पे सिंपली आप इसको अपने कॉपी में लिखकर आप लोग अपने एग्जाम का प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो आपको केमिकल रिएक्शन, जो कि आपका चैप्टर का स्टार्टिंग जहाँ से होता है, यही आपका यहाँ से चैप्टर का स्टार्टिंग होता है केमिकल रिएक्शन, उसका आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, जो कि एक बोर्ड के लेवल का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन मिल जाएगा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में फुल्ली डेफिनेशन के साथ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फिर बैलेंस्ड इक्वेशन आपका जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बैलेंस्ड इक्वेशन, वो भी आपको मिल जाएगा, और किस तरह से बैलेंस इक्वेशन होता है आपको वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो फुल्ली प्रोसेस के साथ आपको इस नोट्स आपको यहाँ दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपका केमिकल रिएक्शन जो आपका पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते हैं वो भी दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मिडिल आपका चैप्टर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी आप लोग के टाइप होते हैं वो सारे कुछ आपको इस नोट्स में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपका कम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएगा। तो गाइस जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में जितना भी आप लोग का फॉर्मूला होता है या फिर उसका डेफिनेशन होता है सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसी भी तरह से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक आप स्टडी विद तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइबर के बेल आइकन ऑल पे हिट कर लीजिए। और आपको नेक्स्ट नोट्स किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपको वही नोट्स आपको बना करके हम दे देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपका सारे रिएक्शन इसमें दिए गए हैं, सारे इक्वेशन आपको दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लोग लास्ट में देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सारा कुछ आपको इसमें दिया है, रिडक्स रिएक्शन भी क्या होता है, सब कुछ आपको इस नोट्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि आपका क्लोजन है और एसिडिटी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। गाइस आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो, तो आप लोग इस नोट्स को अपने फ्रेंड में भी शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको ये नोट्स कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो गाइस आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, और इसका पासवर्ड आपको वीडियो में देखने को मिल गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये नोट्स कैसा लगा। और अभी तक आप स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे हिट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अपने चैनल पर इस तरह का क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर और नोट्स और भी बहुत सारा कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत जल्द।